हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सविताज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ अदरक और हरी धनिया की चटनी। तो हरी चटनी देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने हरी धनिया ले लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है और 5 हरी मिर्च ले ली है, आधा इंच अदरक ले लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा ले लिया है और 5 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। और अब मैं धनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर जार में या फिर सिलबट्टे पे इसे पीस सकते हैं। और अब इसे हम पीस लेंगे। दोस्तों, सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने पीस लिया है और ये चटनी बनकर के तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, ये चटनी बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आज दोस्तों मैंने ये सिलबट्टे पे चटनी पीसी है, एकदम देसी स्टाइल में। दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।